एवरीवन, हिलो ऑफ द एजेस 717 चैनल पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ क्रिस्टल एंड पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, उस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ में कौन सी गुड न्यूज़, कौन से ब्लेसिंग्स, कौन से सरप्राइजेस आने वाले हैं, क्या कुछ डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है, एडवाइस है। सो आंखें बंद करके भगवान जी से प्रेयर करना कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपका मार्गदर्शन करें, और उसके बाद फिर जो भी इस स्टोन से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर इस स्टोन को चूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो फिर आप अपने बर्थ मंथ से इस रीडिंग को देख सकते हो। देखो, प्रायोरिटी जो देनी है वो स्टोन को चूज़ करने में देनी है कि इंट्यूटिवली आपको कौन सा स्टोन यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर नहीं कर पा रहे हो चूज, प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर अपने बर्थ मंथ से आप ये रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर ये रोज क्वार्ट्ज का स्टोन, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, ओके। एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पर ये लेब्राडोराइट, ये वन ऑफ मेरा फेवरेट क्रिस्टल है लेब्राडोराइट। एंड साथ में यहाँ पर बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ओके। सो आप आराम से चूज कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज, याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने रोज क्वार्ट्ज का स्टोन को चूज़ किया है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में कौन सी गुड न्यूज़, कौन से ब्लेसिंग्स, कौन से सरप्राइजेस यहाँ पर आने वाले हैं, डिवाइन की तरफ से आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। सो इस स्टोन को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। टाइमलेस रीडिंग है गाइज, ये मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। एंड आप किसी भी एज ग्रुप से हैं तो भी इस रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो, ठीक है। आंखें बंद कर कर भगवान जी से प्रेयर करते रहिएगा कि वो आपको गाइड करें, आपका मार्गदर्शन करें। ऑप्शन फर्स्ट, नाइन ऑफ वॉन्स, ठीक है, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। मैं कार्ड्स निकाल ही लूँ कुछ, फिर आपको बताती हूँ। थ्री ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्स, ओके, फूल, ओके। आप लोग न्यू बिगनिंग्स की एनर्जीज को कहीं ना कहीं क्लेम कर रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स चाहते हो, बहुत सारी चीज़ों से फेड अप हो चुके हो, बहुत सारी चीज़ों से परेशान हो चुके हो आप लोग अपनी लाइफ में, सेम रूटीन से, सेम पैटर्न से, सेम तरीके की चीज़ों से, और कुछ बैड हैबिट्स हैं यहाँ पर आप लोगों की। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप अपने अंदर ही बदलना चाहते हो, कुछ अपनी आदतों को छोड़ना चाहते हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पर सी डेथ का भी कार्ड है जो कि एंडिंग्स को बता रहा है, फूल का कार्ड है जो कि न्यू बिगनिंग्स को बता रहा है। तो सबसे पहली गुड न्यूज़ तो यहाँ पर आप लोगों के लिए यही है ऑप्शन फर्स्ट, कि कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग्स आप लोगों की लाइफ में होने जा रही है, एक नई शुरुआत आप लोगों की लाइफ में होने जा रही है। और ये नई शुरुआत के पहले जैसे काफ़ी पेन आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखा है, काफ़ी सफरिंग जैसे आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखी है, यहाँ पर कुछ लोगों की लिटरली इस तरीके की एनर्जीज है कि आपने किसी को बहुत चेस किया है, किसी चीज़ को बहुत चेस किया है, किसी पर्सन को बहुत चेस किया, और खुद को जैसे भूल गए कि आप क्या हो, आपका पोटेंशियल क्या है, खुद से प्यार करना भूल गए। और रिजल्ट ये हुआ कि ना तो शायद उस तरीके का प्यार मिला, ना उस तरीके की रिस्पेक्ट आप लोगों को मिली, लेकिन अब आपको वो चीज़ रियलाइज हो रही है कि आपसे कहाँ पर गलती हुई और आपको अपनी किन गलतियों को अभी किस तरीके से सुधारने की जरूरत है। आपको खुद के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखने की जरूरत है, आपकी खुशियों के लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो, लाइक कुछ इस तरीके से आपको आपके लाइफ में जो चीज़ें हैं वो रियलाइज हो रही हैं। पहले जिन चीज़ों से आप कहीं ना कहीं डरते थे, अपनी बात कहने से डरते थे,
स्टैंड लेने से डरते थे अपने लिए, घर से बाहर जाने से, निकलने से डरते थे, लोगों से बात करने से डरते थे, पता नहीं हेजिटेशन थी किसी तरीके की आप लोगों के अंदर, लेकिन वो चीज़ अब यहाँ पर दूर हो रही है। खुद पर जीत है ये, खुद पर किसी तरीके की जीत है कि अपने आप पे जीत रहे हो, और यही सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ तो चैलेंजिंग होता है, सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, जहाँ पे आप अपनी शेडो साइड को एक्सेप्ट भी कर रहे हो, अपनी गलती को भी स्वीकार कर रहे हो, दूसरों को ब्लेम नहीं कर रहे, दूसरों को फॉरगिव कर रहे हो, माफ़ कर रहे हो, और अपनी लाइफ में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, अपने लिए नए सपने देखना शुरू कर रहे हो। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ब्लेसिंग्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ कार्मिक साइकिल्स थी आप लोगों की लाइफ में, कुछ वो यहाँ पर एंड हो रही हैं, कुछ कार्मिक साइकिल्स थी कुछ कार्मिक लोगों के साथ, वो यहाँ पर एंड हो रही हैं। और काफ़ी ज़्यादा मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में जैसे कुछ ड्रामा क्रिएट हो रहा है किसी तरीके का, किसी तरीके का ड्रामा क्रिएट हो रहा है, कुछ चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, कुछ ब्लेम लग रहे हैं, देन वहाँ पर आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, उन चीज़ों से फाइट बैक कर रहे हो। सो कुछ चीज़ों की डेफिनेटली एंडिंग है, लेकिन यहाँ पर एक नई शुरुआत है आप लोगों के जीवन में, जहाँ पर आप लोग खुश हो, जहाँ पर सो मैं यहाँ पर बात कर रही थी कि लाइफ में अपनी जैसे आप न्यू बिगनिंग्स को क्लेम कर रहे हो, यहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है आपके जीवन में, जहाँ पर आप खुद पर डिपेंडेंट हो इमोशनली, फाइनेंशली, बिल्कुल ऐसा है जैसे अपने लिए नए सपने देख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा, लेकिन वहीं से एक नई उम्मीद जाग रही है कि मुझे ये मेरा पर्पस है, मुझे इसके लिए जीना है, मुझे इस काम को करना है ना। और नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी कैसी है, जैसे कोई खजाना मिल गया, जैसे कोई ट्रेजर मिल गया, जैसे खुद को समझ लिया, अपनी सोल को समझ लिया, अपनी अंदर आत्मा को समझ लिया, अपने दिल की आवाज़ को समझ लिया, और अब ये न्यू बिगनिंग्स जो है ना, यहाँ पर आपके मन में किसी भी तरीके का डर नहीं है, यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जैसे आप एकदम ओपन बिहेवियर है आप लोगों का, आपकी एकदम ओपन एनर्जी है, जहाँ पे आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, नई नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, खुद को चांस देना चाहते हो, अपने लिए कुछ करना चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि मैं इस सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊँ, अब आपका परसेप्शन यहाँ पर बड़ा हो रहा है, तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, बहुत ही ज़्यादा एक इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी धीरे धीरे आप लोगों की बनती जा रही है, और यही सबसे बड़ा सरप्राइज, ब्लेसिंग, गुड न्यूज़ जो है मैं यही कहती हूँ आप लोगों के लिए। आई एम सॉरी आपको बैकग्राउंड से थोड़ी सी आवाज़ आ रही हो तो। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, आगे बढ़ रहे हो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, सच की तरफ, ट्रुथ क्या है, सच क्या है एग्जैक्टली आपकी लाइफ का, तो वो चीज़ यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए आ रही है। एंड मैं ओवरऑल काफ़ी जैसे ड्रामा और सब कुछ चल रहा है, एंड उसके बाद एक रिलीफ की एनर्जी, उसके बाद एक पीस की एनर्जी, उसके बाद एक हैप्पीनेस की एनर्जी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोग के लिए फील कर पा रही हूँ। देखते हैं यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स की और क्या कुछ गुड न्यूज़ है, ब्लेसिंग्स हैं, सरप्राइजेस हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर इतनी इंडिपेंडेंट एनर्जी है ना कि अपने ऊपर विश्वास है, अपने ऊपर भरोसा है, तो वो चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं है। इमर्जिंग इन टू ग्रेस, आई एम ओपन माई सोल टू ग्रेस, और मैंने कहा ना बड़ी ओपन एनर्जी है कि खुल रहे हो, है ना, खुले विचार हैं, जैसे यहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहते हो, नए नए एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, जगह जगह घूमना चाहते हो, नई नई चीज़ों को जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, मतलब पहले कैसा था, एक जैसे एक एक स्पेस था जिसमें आप कंजर्व थे, वहीं वहीं वही आपको ऐसा लगता था कि यही मेरी पूरी दुनिया है, लेकिन अब वो जो चीज़ थी ना, वो इल्यूजन जो था वो टूट रहा है, और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरे पास बहुत बड़ी दुनिया है, मेरे पास बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को, मेरी लाइफ में बहुत कुछ है, और आप जीने के नए नए मकसद ढूंढ रहे हो, नए नए मायने ढूंढ रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। जैसे मैंने कहा कि खुद पर विश्वास बढ़ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके वे ऑफ टॉकिंग में, आपके वे ऑफ वॉकिंग में, सारी चीज़ों में बहुत सारा एक डिफरेंस मैं आते हुए देख रही हूँ, बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में, और ये हैप्पी चेंजेस हैं, हालांकि हैप्पी चेंजेस हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं यहाँ पर, कुछ मुश्किलें हो रही हैं यहाँ पर, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है ना, आपके बेस्ट के लिए ही हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो कि आपसे एग्री नहीं कर रहे होंगे,
आप जो भी कुछ कर रहे हो सकता है वो कह रहे हो तुम गलत हो, तुम गलत कर रहे हो, हर चीज़ में आपको गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हो, और ऐसी सारी चीज़ों की वजह से जैसे आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो हुआ, खुद पर से विश्वास बहुत कम हुआ। लेकिन आप, मैंने कहा ना, आप समझ पा रहे हो कि सही गलत समझ पा रहे हो, सच और झूठ को समझ पा रहे हो, कौन अपना है वाकई में कौन नहीं है, कहीं ना कहीं इस चीज को समझ पा रहे हो, है ना। एंडिंग्स होना भी जरूरी है ये चीज समझ पा रहे हो, कभी कभी वो पेन को सहना भी जरूरी है ये चीज को भी आप समझ पा रहे हो, ठीक है। सो बहुत कुछ यहाँ पर चल रहा है। स्टार्टिंग फ्रेश, ए वंडरफुल न्यू बिगनिंग इज ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ। यस, आपने, मैंने कहा ना, आप न्यू बिगनिंग्स चाहते हो अपनी लाइफ में, एक नई शुरुआत चाहते हो आप अपनी लाइफ में, और सी यही यहाँ पर हो रही है। सो ये आप लोगों के लिए एफर्मेशन है, ए वंडरफुल न्यू बिगनिंग इज ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ। नीचे कॉमेंट बॉक्स में इसको जरूर टाइप करना अगर आपका जर्नल है। सो इस एफर्मेशन को बार बार ही, एटलीस्ट 10 टाइम्स इस एफर्मेशन को अपने लिए जरूर लिखना, बार बार इसको चैंट करते रहो, ए वंडरफुल न्यू बिगनिंग इज ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ, ठीक है ना। ये एफर्मेशन आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। और भी देखते हैं यहाँ से, ऑप्शन फर्स्ट, चेरिशिंग सेल्फ, आई एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ। तो भाई खुद को प्यार करने की जरूरत है, अपने आप को सेलिब्रेट करने की जरूरत है। जैसे एक होता है कि हम जी रहे हैं, बस दिन काट रहे हैं, लेकिन एक होता है ना कि हम हर दिन को खुलकर जी रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, हम चेरिश कर रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम अपने होने को समझ रहे हैं, हम अपनी ब्रीदिंग को समझ रहे हैं, हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं, है ना। तो ये वो एनर्जी है, खुद में ही, खुद में ही डूब जाना। तो यस, खुद को एक्सेप्ट करो, हर किसी इंसान में कमियां हैं, सब में होती हैं, तो खुद को एक्सेप्ट करो, आप जैसे भी हो, आप बोलो, मिरर में जाके बोलो, आई लव माई सेल्फ। जैसे आपका जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम प्रिया है, मिरर में जाके बोलो, प्रिया तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और तुम जैसी भी हो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ। अपना नाम लेकर आपको ये बोलना है, जो भी आपका नेम हो, और आप बार बार ये चीज़ करो, देखोगे कि आपको खुद में कॉन्फिडेंट फील होने लगेगा, आपको खुद में अच्छा फील होने लगेगा। बिलीविंग इन मैजिक, ट्रू मैजिक इज अबाउंडिंग इन माई लाइफ। तो यहाँ पर कहा जा रहा है मैजिक पर बिलीव रखो। आपके टफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपकी लाइफ में, नो डाउट, लेकिन आपको नहीं पता ना कब क्या हो जाए, कब लाइफ किस तरीके से बदल जाए, कब कौन सी गुड न्यूज़ आ जाए, कब कौन सी ब्लेसिंग्स आ जाए लाइफ में। सो जो भी होता है किसी न किसी रीजन से होता है, और फिलहाल यहाँ पर किस तरीके की एनर्जी है कि बहुत सारे मैजिक को, मिरिकल्स को आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले, कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग्स को आप समझोगे, है ना। ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग चाहें तो ग्रीन एवेंचुरिन अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। सी, ग्रीन एवेंचुरिन न्यू बिगनिंग का क्रिस्टल है, हैप्पीनेस का क्रिस्टल है, लक को बूस्ट करता है। सो ग्रीन एवेंचुरिन, मेरे पास स्फेयर रखा है उसका, कल की रीडिंग में रखा हुआ था। सो आप ग्रीन एवेंचुरिन का पेंडेंट या ब्रेसलेट अपने लिए वेयर कर सकते हो, ठीक है। वो आपके लक को भी बूस्ट करेगा और आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। द लेडी ऑफ द गिफ्ट, ओके, जेनरोसिटी, रिसीविंग, विथ होल्डिंग। यहाँ पर ये कार्ड कहीं ना कहीं कह रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, कि जितने दुख तकलीफ दर्द आपने देखने थे देख लिए हैं, और अभी यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रकृति आपको देना चाहती है, ठीक है ना। यूनिवर्स आपको देना चाहता है, और आपको अब रिसीविंग मोड में आना है। आपके पास कोई भी ऑफर आए, कोई भी कॉल लेटर आए, कोई भी तरीके की अपॉर्चुनिटी आए, आपको उसको एक्सेप्ट करना है और उसमें आगे बढ़ना है। मैंने कहा ना, एक्सप्लोर की एनर्जी है यहाँ पर, एक्सप्लोर करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो सकता है कि आप पहली बार करें, आपने कभी नहीं सोचा कि आप ऐसे करोगे, आप इस तरीके से काम करोगे, आप वहाँ घूमने जाओगे, आप कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर अपने आप को मतलब जो आपकी किस्मत आपके सामने लेकर आ रही है ना, आप बस उस पे कदम रखो, आप रिसीविंग मोड में रहो। ये मत सोचो मैं कैसे करूंगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। गायस गार्डन, ओके। भाई जो बीज बोए हैं वही फल अब मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा है, ऑप्शन फर्स्ट, कि ये टाइम जो है ना वो रीपिंग का, यानी कि बीज बोने का समय है।
और मेहनत का टाइम है, और जैसे मैंने कहा कि एक नई शुरुआत, अगेन वही चीज फिर से आ रही है। हाँ, तो एक नई शुरुआत है। यू नो, ये कार्ड बोल रहा है कि जो बीज तुमने पहले बोए उनके फल मिलेगा, लेकिन आप लोग के लिए मुझे क्या नजर आ रहा है कि आप अभी बीज बो रहे हैं, यानी कि आप अभी किसी चीज की शुरुआत कर रहे हो, है ना। अभी यहाँ पे वो प्रोसेसिंग चल रही है और आपको आगे जाके उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, आगे जाके आपको उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। अबंडेंस भी ऑफकोर्स आपकी लाइफ में आएगी। ऑफकोर्स थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुझे कुछ लोग के लिए यहाँ पे 8 to 9 months की एनर्जी नजर आ रही है, 7, 8, 9, ठीक है ना, ये एनर्जीज मुझे आप लोग के लिए नजर आ रही है। तो इतना टाइम आप लोग के लिए हो सकता है थोड़ा सा लगे, हाँ, लेकिन यस, मदर नेचर से कनेक्ट करो, मदर अर्थ से कनेक्ट करूँ, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। नेचर में वॉक करना, या जहाँ भी आपको कोई एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर जाना आपको बार बार ही अच्छा लगता है, आपको वहाँ जाकर सुकून मिलता है, शांति मिलती है, ऐसी प्लेसेस पे आप जाओ, ठीक है। दिस वाई पता नहीं मुझे ग्रीन एवेंचुरन आप लोग के लिए हिट हो रहा था। अब ग्रीन एवेंचुरन को अपने लिए यूज़ कर सकते हो, डेफिनेटली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ले सकते हो। ओके, चलिए अभी लास्ट देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए और क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, इफ यू बिलीव, विश्वास की ताकत, यू नो, आप कोई भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो, रेमेडीज कर रहे हो, तो यहाँ पर एंजल्स की तरफ से मैसेज है कि वो तभी फ्रूटफुल होंगी अगर आप उनमें बिलीव रखोगे। तो अगर मन में डाउट रहेगा तो डाउटफुल ही रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर मन में बिलीव रहेगा तो मिरेकल्स आप एक्सपीरियंस करोगे, मैजिक को आप एक्सपीरियंस करोगे, ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। ओके, क्लियर कट मैसेज मिला है यहाँ पर एकदम, कि डाउट्स को अपने मन में से निकाल दो, खुद पर भी डाउट नहीं करना है, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो अपनी इंट्यूशन की यहाँ पर आपको सुननी है, आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करेगी आगे के लिए, एंजल्स भी आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू ही मैसेज देंगे। तो इंट्यूशन की सुननी है, अपने दिल की आवाज़ की, अपनी अंतरात्मा की यहाँ पर सुननी है, और मेडिटेट भी करना है, ध्यान भी करना है, क्योंकि जब आपका मन शांत होगा ना, आप अपने इंट्यूशन की तभी यू नो सही से सुन पाओगे। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अगर कुछ चीज़ों में यहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर हेल्प लेने में आपको झिझकना नहीं है, बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं रखनी है। और एक कार्ड अपने आप में कह रहा है कि आप रिसीविंग मोड में आ रहे हो, दूसरे लोग आपकी मदद के लिए आ रहे हैं, एंजल्स आपकी मदद के लिए तैयार हैं, और अपनी मदद आपने खुद करनी पड़ेगी, खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, और जैसे जैसे आपको मदद की ज़रूरत होगी वो आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो लाइक ज़रूर कर दें इस रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, जो भी कुछ है ना, जो भी आपको बात सबसे अच्छी लगी हो वो यहाँ पर आप ज़रूर शेयर करें। और क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट सीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने लैब्राडोराइट का स्टोन चूज किया है, या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों की लाइफ में कौन सी गुड न्यूज, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस यहाँ पर आने वाले हैं, डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन टू, ओके, स्टोन को साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। ओके, सो यहाँ पे पहला कार्ड है हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको एक साथ ही बताती हूँ, ठीक है? ठीक है। बहुत टाइम से आप लोगों की लाइफ में कोई बहुत बड़ा इश्यू चल रहा था,
किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम चल रही थी या कोई लीगल इशू हो गया या रिलेशनशिप को लेके कुछ चीज़ें हो गई, कुछ झगड़े हो गए यहाँ पर, ये एनर्जी यहाँ पर आप लोग के लिए आ रही है। लेकिन यहाँ पर आप लोग के लिए गुड न्यूज़ ये है कि फाइनली यहाँ पर जैसे रेजोल्यूशन आपको मिल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मिल रही थी उनका सोल्यूशन यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में होने जा रहा है। ये एनर्जीज यहाँ पर बहुत ही हाईलाइट है। डिसअपॉइंटमेंट वाला टाइम पीरियड चल रहा था, बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, आइसोलेटेड कर रखा था खुद को आपने, बहुत ज़्यादा डर था मन में कि कहीं किसी चीज़ को आप खो ना दें, कहीं कुछ हाथ से निकल ना जाए, कहीं कुछ छूट ना जाए, कुछ इस तरीके की एनर्जीज में आप लोग थे कहीं ना कहीं। लेकिन यस, यहाँ पर अभी मैसेज ये है कि वो जो भी कुछ टाइम था यहाँ पर वो ओवर हो रहा है, यहाँ पर वो एक जो टफ टाइम था आप लोगों की लाइफ में वो ओवर हो रहा है कहीं ना कहीं, और खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर किसी तरीके का थोड़ा सा मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ भी कुछ लोगों को थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे गुड न्यूज़ कैसे है, लेकिन गुड न्यूज़ ये ऐसे है कि आपकी लाइफ में फाइनली शांति आ रही है, फाइनली एक वो पीस आ रही है ना। अब कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर कैसे, जैसे दो पार्टियाँ, एक आप हो और एक सामने वाली कोई भी पार्टी, किसी भी सिचुएशन के लिए हो सकता है। आप अपना पॉइंट कहे जा रहे हो, वो अपना पॉइंट कहे जा रहे हैं। अब यहाँ पर कैसा होगा, दोनों एक दूसरे की थोड़ी थोड़ी बातों को समझेंगे, मानेंगे और थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ताकि चीज़ें जो है वो आगे प्रोसीड हो सके, आगे बढ़ सके लाइफ में। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है लिटिल बिट। यहाँ पर कुछ लोग थोड़े से शुरुआती में परेशान हैं कि अब मैं कैसे मैनेज करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, लेकिन बहुत जल्दी आप समझ जाओगे कि जो भी कुछ हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, आपके बेहतर के लिए ही हो रहा है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। ओके, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर और एस ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। कुछ लोगों की तरफ यहाँ पर हो सकता है लव रिलेशनशिप वाइज कोई ऑफर आए, कोई प्रपोजल आए, और ये प्रपोजल कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो गए या फैमिली फ्रेंड्स कुछ ऐसे हो गए या जान पहचान में हो गए पहले से, कोई प्रपोजल आ रहा है आप लोगों की तरफ, है ना। मैरिज प्रपोजल मुझे कुछ लोगों के लिए ज़्यादा नज़र आ रहा है, अगर आप लोग सिंगल हो तो। और बाकी अगर ऑलरेडी मैरिड हो यहाँ पर आप लोग, देन मुझे यहाँ पर चीज़ें सॉर्ट होते हुए दिखाई दे रही हैं। अगर कुछ भी इश्यूज चल रहे थे पहले से वो मुझे सॉर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप लोग कुछ कर रहे हो। कुछ लोग अपने फैमिली बिजनेस को यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, अपने फैमिली बिजनेस को आपको आगे लेकर जाना है, दोनों। लेकिन यस, बहुत ही यहाँ पर स्पेसिफिक मैसेजेस मिल रहे हैं आप लोगों के लिए। देखो, अब मेहनत का दौर शुरू हो रहा है, अब मेहनत का वक्त शुरू हो रहा है, जहाँ पर अब आप लोगों को आपको प्रूव करना है, जहाँ पर अब आपकी सिचुएशन के लिए आप लोग आगे जाके खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, है ना। तो यहाँ पर ब्लेसिंग्स कह लीजिए, गुड न्यूज़ कह लीजिए, अब ये जो टाइम पीरियड आप लोग के लिए शुरू हो रहा है ना, यहाँ पर आपको खुद को प्रूव करना है, खुद को साबित करना है, अपना 100% देना है, अपनी पूरी मेहनत करनी है, पूरे पैशन से, पूरे लगन से यहाँ पर आप लोगों को काम करना है। ये चीज़ मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। बिजनेस है तो उसे आगे लेकर जाना है, जॉब में अगर आपको चांस मिला है तो वहाँ पर आपको आगे अपने 100% देना, अपनी मेहनत करनी है, तो फिर आगे जाके आपका प्रमोशन या जो भी चीज़ के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ हो पाएगी। सो ऑप्शन टू, कोई बहुत पुराना इशू, बहुत लंबे समय से कुछ चीज़ें चल रही थी वो तो सॉर्ट हो रही हैं, लेकिन अब यहाँ पर दौर शुरू हो रहा है मेहनत का आप लोगों के लिए, हार्ड वर्क का, ये मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। साथ में मुझे स्ट्रेंथ कार्ड के साथ मैसेज बार बार ये मिल रहा है कि फिजिकली खुद को फिट रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी उतना अच्छा रहेगा। तो अब आजकल हो कैसे जा रहा है कि एक ही चेयर पर बैठे बैठे काम हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आप लोगों के लिए कि आप रनिंग हो गया, कार्डियो हो गया, या जिम जा रहे हो, अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा आप एक्टिव रख सकते हो, या जैसे काम करा 1 घंटे, है ना, फिर थोड़ा सा राउंड लगा लिया, इधर उधर घूम लिया, कुछ भी कर लिया, यानी कि जितना ज़्यादा आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी उतना ही आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी रहेगी, एंथुजियाज़म रहेगा। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए कही जा रही है। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और मैसेज आप लोग के लिए ये है, ऑप्शन टू, कि अब जितने झगड़े हो गए, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, वो हो गए, लेकिन अब आपको बेवजह लड़ना नहीं है। मतलब बेवजह लड़ना कैसे, आप अपनी बात कहे जा रहे हो, सामने वाला अपनी बात कहे जा रहे हो, और हल कुछ भी नहीं निकल रहा है ना। तो यहाँ पर आपको लॉजिकली, लॉजिक को रख के बात करनी है,
ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है, तो बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है यहाँ पर ऑप्शन टू आप लोगों के लिए। देखो जो भी कुछ है यहाँ पर, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी वो सही हो जाएगी, लेकिन थोड़ा मेच्योरिटी से आप लोगों को चलना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा खुद को भी बनाना पड़ेगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी यहाँ पर रहेंगे। और गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स ये है कि जो आप चाह रहे थे ना वो हो रहा है, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, वो मौका अब यहाँ पर आपको मिल रहा है और अब आपकी मेहनत है। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। और अगर आप लोग सिंगल हो तो यस डेफिनेटली कोई ना कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है। ये प्रपोजल मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप इस पर्सन को पहले से पसंद करते थे, ये आपके क्रश थे, देन डायरेक्ट मैरिज पे ही मुझे बात नज़र आ रही है, लाइक ऐसा नहीं चिट चैट, डायरेक्ट मैरिज पे ही मुझे बात नज़र आ रही है यहाँ पर। चलिए देखते हैं यहाँ पर अभी और क्या कुछ है आप लोगों के लिए। ऑप्शन टू आपके लिए कार्ड्स गिरे जा रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है आप लोगों की लाइफ में फिलहाल, और आपको ऐसा है कि नहीं मुझे सच में गाइडेंस की ज़रूरत है, सच में मुझे मार्गदर्शन की ज़रूरत है, इस तरीके की आपकी एनर्जीज होंगी। ऑप्शन टू, क्योंकि लिटिल बिट कन्फ्यूज़न भी है इस वक्त बहुत सारा, है ना, ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ। ऑप्शन टू, स्टेपिंग इन टू स्टिलनेस, माई पावर इज बॉर्न इन दी मेजेस्टी ऑफ साइलेंस। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाइयाँ कह लीजिए, युद्ध कुछ भी कह लीजिए, जहाँ पर हम बोल रहे हैं लड़ रहे हैं वो सॉर्ट नहीं होंगे, लेकिन हमारी साइलेंस, हमारी कहते हैं ना वो चुप्पी, वो बहुत सारी चीज़ों को पहले ही सॉर्ट कर सकती है। कभी कभी खामोशी ज़्यादा बोलती है, राइट। तो वही मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए भी आ रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स करने में, ब्लेम लगाने में, कमी निकालने में कुछ भी नहीं होने वाला, थोड़ा सा खामोशी से यहाँ पर आप लोगों को काम लेना पड़ेगा, लॉजिक बेस्ड आपको बात करनी पड़ेगी, अपने आप को शांत रखना है, अपने मन को शांत रखना है और शांति के साथ आप लोगों को बात करनी है, तब यहाँ पर अपने इमोशंस पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि गुस्सा करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ऑप्शन टू, ठीक है, कल्टीवेटिंग प्रोस्पैरिटी, तो यस बहुत सारी प्रोस्पैरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, कल्टीवेट कर रहे हो, प्रूफ करने का वक्त आ गया है, मेहनत करने का वक्त आ गया है, प्रोस्पैरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। और देखते हैं यहाँ पर, माय गॉड यहाँ पर इतने कार्ड्स गिर रहे हैं ऑप्शन टू आप लोगों के लिए, बहुत कुछ जानना है आप लोगों को, है ना। ऑप्शन टू, बीइंग इन द फ्लो, आई एम इन द फ्लो ऑफ द यूनिवर्स। ओके एक और कार्ड देख लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ, लुकिंग डीपर। ओके सो यहाँ पर ऑप्शन टू आप लोग के लिए मैसेज है बीइंग इन द फ्लो, तो फ्लो में रहना है, यूनिवर्स के ऊपर चीज़ों को छोड़ दो, भगवान जी के ऊपर छोड़ दो, जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, उनके ऊपर चीज़ों को छोड़ दो और फिर जो हो रहा है ना आपकी लाइफ में उसे होने दो, है ना। कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करके देखो, कुछ चीज़ों को एज इट इज स्वीकार करके देखो, जो खो गया जो हो गया उसे हो जाने दो, उसे खो जाने दो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और ये एफर्मेशन आप अपने आप को बार बार ही दो, आई एम इन द फ्लो ऑफ द यूनिवर्स, मैं यूनिवर्स के फ्लो के साथ आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, एक्सेप्टेंस मोड में यहाँ पर आप लोगों को आना है, जहाँ पर आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो। नेक्स्ट है यहाँ पर लुकिंग डीपर, और इस 3D वर्ल्ड में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम सोच रहे होते हैं कि हमारे साथ ही ऐसे होता है, हम ही क्यों ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करें, हम ही क्यों हर बार, बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत ही ज़्यादा डीप में मीनिंग होता है। आप इस यूनिवर्स के साथ जो एनर्जी को शेयर कर रहे हो ना, वही आपके पास वापस आएगी। आप किसी की हेल्प कर रहे हो, आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, वो समहाउ आपके पास वापस आ ही जाएगा, चाहे उस पर्सन से आए या फिर नहीं आए, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो एनर्जी आपके पास वापस आएगी, किसी ना किसी तरीके से वो प्रोस्पैरिटी के रूप में आपकी आपकी तरफ आएगी। अगर आप कुछ भी अच्छा कर रहे हो किसी के लिए भी, चाहे वो पर्सन उस चीज़ को समझे या फिर नहीं समझे, राइट। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि चीज़ों के पीछे जो डीपर पर्सपेक्टिव है ना उसको ढूंढना है, छोटी मोटी चीज़ें, मैं मेरा तुमने ये किया वो किया, इनमें नहीं उलझना है आप लोग को, एक बड़े पर्सपेक्टिव से अपनी लाइफ में अभी चीज़ों को सोचना है।
ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है, एंड आप लोग चाहें तो लेफ्ट या जो राइट अपने लिए यूज़ कर सकते हो। मैंने कहा था इंट्रो में, ये मेरा वन ऑफ फेवरेट क्रिस्टल है और इसकी इतनी सारी मैजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्रिस्टल है, ये स्पिरिचुअलिटी का क्रिस्टल है, ये अपने बेस्ट वर्जन में आने का क्रिस्टल है। आप लोग चाहो तो डिटेल में इसके बारे में पढ़ो, ठीक है, जब आपको लगे तो फिर आप इसे अपने लिए लो। ये बहुत ही अच्छा स्टोन है, बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन टू, पेशेंस एंड स्टिलनेस। देखो फिर से यहाँ पे स्टिलनेस की बात कही जा रही है, रेस्टिंग ट्री की बात यहाँ पर आप लोग के लिए कही जा रही है। ऑप्शन टू, धैर्य रखो थोड़ा सा। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों का जवाब जो होता है वो वक्त देता है, कुछ चीज़ें जो है वो समय के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, कुछ चीज़ें जो है वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, है ना। आप खुद को प्रूफ करो अपने काम के थ्रू, है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर कही जाती है। साथ में एक और मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है कि अगर आप डेली बेसिस पर जर्नलिंग करते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। द क्वीन ऑफ द लाइट, इल्यूमिनेशन, एनलाइटनमेंट एंड सेलिब्रेशन। सो वही यहाँ पर बहुत सारा सेलिब्रेशन आप लोग की लाइफ में आने वाला है, एनलाइटनमेंट के प्रोसेस में हो आप लोग कहीं ना कहीं, तो यही अपने आप में सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, यही अपने आप में सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। ओके, तो यहाँ पर एक ही तरीका जो है वो मुझे नजर आ रहा है कि चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, सरेंडर मोड में चले जाओ, सरेंडर कर दो और जो हो रहा है फिर उसे एक्सेप्ट करो और उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। लास्टली देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन टू, यू आर रेडी। सो भाई आप रेडी हो, आप तैयार हो अपनी लाइफ के इस नए दौर को, इस नए सफर पर जाने के लिए और मेहनत करने के लिए रेडी हो, कहीं ना कहीं खुद को प्रूफ करने के लिए रेडी हो कहीं ना कहीं। बस मन में विश्वास होना चाहिए और घबराना नहीं है बिल्कुल भी, सब कुछ अच्छा होगा। अपनी मेहनत करते जाओ, बस अपना कर्म करो इन द नियर फ्यूचर। तो फ्यूचर में भाई यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। इन केस आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू मेरी जॉब कब लगेगी, मेरा ये प्रोजेक्ट कब पूरा होगा, इन द नियर फ्यूचर, बहुत ही जल्दी ये मैसेज यहाँ पर आप लोग ले आ रहा है। ईयर फ्रॉम नाउ, तो कुछ लोग लिए यहाँ पे अभी से 1 साल का वक्त कहा जा रहा है, कुछ लोग लिए नियर फ्यूचर ही है, बहुत जल्दी ही है। और क्योंकि जनरल रीडिंग है तो इसलिए यहाँ पर टाइमलाइन सबके लिए डिफरेंट रह सकती हैं, और कुछ लोग लिए 1 साल का वक्त है आप लोगों के लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, तो अपनी इंट्यूशन की ऑप्शन टू आप लोगों को सुननी है, अपनी इंट्यूशन की सुन के आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। डेली बेसिस पे मेडिटेशन ज़रूर करें। ओके, सो ऑप्शन टू ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, कौन सी बात यहाँ पर आपको सबसे अच्छी लगी, किन चीज़ों को आप आगे जाकर फॉलो करोगे अपनी लाइफ में। एंड लाइक ज़रूर कर दें रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या मेल कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।